हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में एक डीआईवाई लेके आई हूं और ये बहुत ही इजीली बन जाएगा आपसे, चाहे आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, और इसमें आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा और काफ़ी यूजफुल है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रिज टॉप कवर या फ्रिज ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए मैंने अपनी एक पुरानी नाइटी ली है। आप चाहे तो कोई बेडशीट ले सकते हैं। और जो मैं तरीका बताने वाली हूँ बिल्कुल बेसिक तरीका है, जो आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और आगे की वीडियो में कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा और मतलब डिज़ाइनर फ्रिज टॉप बनाने का। अभी मैं बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं जो कि कोई भी बना सकता है। इसकी लंबाई लगभग मैंने ली है 40 इंच के करीब और चौड़ाई 22 इंच के करीब। और आप अपने फ्रिज पे मतलब कोई भी कपड़ा जिसका आप बनाना चाहते हो उसको रख के देख सकते हैं कि आपको कितना मतलब ये चाहिए लंबाई चौड़ाई इसके, तो उस हिसाब से आप अपना मेज़र कर सकते हैं। और जैसे इसकी चौड़ाई मैंने 22 इंच रखी है, तो ये मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और एक नाइटी में ये आराम से बन जाएगा। और उसके बाद मैंने रेक्टेंगल कपड़ा इस तरीके से निकाल लिया है और साइड पॉकेट्स के लिए भी मैंने कपड़ा काट लिया है, जो नाइटी का दूसरी साइड का जो हिस्सा था उससे। और इसका जो पॉकेट का मैं चौड़ाई रख रही हूँ 8 इंच करीब, तो आप चाहे तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं फ्रिज के लिए। एक्चुअली मैं इसको किसी और चीज़ में यूज़ करूँगी, किसी टेबल वगैरह के लिए यूज़ करूँगी, लेकिन ये आप अगर फ्रिज के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप 7 इंच या 6.5 इंच रख सकते हैं इस पॉकेट की हाइट। उसके बाद इस टाइप की बोरी आराम से घर में मिल जाती है। ये चावल की बोरी है, तो ये 25 किलो की बोरी है, तो बोरी है इसको मैं इसके नीचे लगा रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लुक आए। और जैसे हमने इसके नीचे फोम शीट नहीं डाली है तो ये बिल्कुल ही मतलब ऐसा लगता फ्रेजाइल सा, और इसमें अगर हम पॉकेट में कुछ रखते हैं तो बिल्कुल लटका हुआ सा लगता, तो ऐसा नहीं लगेगा। और इस टाइप की बोरी बहुत इजीली मिल जाती है, इसीलिए मतलब मैं इसमें ये यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो फोम शीट आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के कपड़े में अगर आप ये यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। और घर में हर किसी के पास इस टाइप की बोरियाँ ज़रूर होती हैं, चाहे चावल की हो, आटे की हो। अगर इस टाइप की जूट टाइप की बोरी ना हो तो आप जो प्लास्टिक की बोरियाँ होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो बोरी थी उसको कट कर लिया है। अब उसके बाद मैं क्लोथ पिन्स की हेल्प से इसको सब जगह से फिक्स कर दूँगी और इस तरीके से रखना है जो बोरी का जो मेन जहाँ प्रिंट वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ आए। और ये काफ़ी पहले की पड़ी हुई थी मेरे पास ये वाला जो बोरी थी, तो उस पर थोड़ा सा स्टेन्स वगैरह टाइप का है, लेकिन वो मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे। खैर हर जगह मैंने ये लगा लिया। अब मैं इसको सुई धागे से हर जगह से सिल लूँगी ताकि ये खिसके ना। आप चाहे तो मशीन से सिल सकते हैं और मैं हाथ से सिल रही हूँ, तो इसलिए जो लोग मशीन चलाना नहीं जानते हैं या मशीन जिनके पास नहीं है तो वो भी इसे बहुत ईजिली बना सकते हैं और हाथ से ही आप इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने पूरा चारों तरफ से सिल लिया और बिल्कुल बेसिक सिलाई लगाई है जिससे कि ये खिसके ना, और ये इस तरीके से हो गया। और आप चाहे तो इस तरीके का मैट भी बना सकते हैं, जैसे कोई घर में बोरियाँ पड़ी उनको ज्वाइन करके ऊपर जो भी कपड़ा आपको अच्छा लगता है लगा के गर्मियों के लिए बना सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने सिल लिया। अब इसको मैं साइड कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास अब इस टाइप की बोरी थी, ये 10 किलो चावल की बोरी है, तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको कट कर रही हूँ, जो मैंने साइड के पॉकेट्स के लिए काटा था कपड़ा उसके अकॉर्डिंग, तो ये मैंने काट लिया। और ये मैं बिल्कुल बेसिक बना रही हूँ, इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, डेकोरेशन के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि बहुत ईजीली और हर किसी से बन जाए। और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं बोरी के वो मैं अलग कर रही हूँ और एक साइड पे पिन लगा दिए जिससे ये खिसके ना। अब इसको भी हम जैसे हमने सिल किया था उसको इसको भी हम चारों तरफ से सिल लेंगे। पहले पिन लगा दिया मैंने, अब सुई धागे की हेल्प से मैं इसको पूरा सिल रही हूँ। और मशीन से अगर आप सिलते हैं तो पूरा जो फ्रिज टॉप कवर है आपका 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, और अगर हाथ से सिलते हैं तो 1-1.5 घंटे लग सकता है, और अगर आप स्लो सिलते हैं तो और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये हो चुका है हमारा कंप्लीट, सबको मैंने सुई धागे से सिल लिया है जिससे कि ये हिले ना। और इस पर ग्लू काम नहीं करता है क्योंकि ये जो बोरी का वो होता है ये प्लास्टिक होता है, तो इसलिए नहीं करता।
अब मैं पाइपिंग के लिए, मेरे पास एक ब्लैक कलर का थोड़ा सिल्क ब्लेंड कपड़ा पड़ा था, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे कोई भी कॉन्ट्रास्ट कपड़ा यूज़ कर सकते हैं तो जैसे कि अच्छा लगे। और पाइपिंग मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, पहले मैं इसको इस तरीके से सिलूँगी, हाथ से मैं पूरा सिल रही हूँ और आधा इंच करीब छोड़ के सिल रही हूँ। जितनी हमें पाइपिंग चौड़ी रखनी है उतना हम छोड़ के जैसे ये सिलाई कर रही हूँ मैं। और बिल्कुल बेसिक रिंग स्टिच चाहिए, ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फोल्ड करके फिर एक फर्दर सिलाई कर देंगे, तो ये पाइपिंग में फिनिशिंग आएगी। जैसे हम अगर जो लोग सिलाई जानते हैं तो जैसे ब्लाउज़ वगैरह की गले की या सूट के गले में ऐसे करते हैं ना, पाइपिंग लगाते हैं, उस टाइप से पाइपिंग लगानी है हमें जिससे देखने में अच्छा लगे। उसके बाद ये दोनों साइड हमने जो क्लोथ पिन्स है या आप कोई भी सेफ्टी पिन या किसी भी चीज़ से इसको फिक्स कर लीजिए एक जगह, और उसके बाद आप इसको सिलाई लगा लीजिए पहले जो पॉकेट्स हमने बनाए थे। और बिल्कुल बेसिक सिलाई में लगा रही हूँ जैसे कि ये हिले ना, क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्ट ऐसे पाइपिंग इसके साथ जोड़ देंगे तो हिलने का डर रहेगा। ये मैंने दोनों साइड लगा लिया, ये सिल चुका है, ये इस तरीके से हो गया। अब ये पॉकेट अब पूरा लंबा है, अब इसके बीच में हमें पार्टीशन डालना है। तो पार्टीशन जितना आपकी टोटल इसकी लंबाई है तो उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। तो मैं लगभग 7.75 इंच एक पॉकेट की चौड़ाई रख रही हूँ टोटल। और उसके बाद मैं ये ब्लैक कलर का यही कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ, ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके इसको ऊपर से पूरा नीचे तक सिलना है जिससे कि एक पार्टीशन का काम करे और देखने में भी अच्छा लगे। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी सिल सकते हैं बिना किसी पाइपिंग के, बिना किसी कपड़े के, लेकिन वो ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। अगर आप इसको कपड़ा लगा के इस तरीके से सिलते हैं मजबूत भी होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। जहाँ जहाँ पार्टीशन है इस तरीके से मैं सिल रही हूँ, इसको मैं डबल सिलाई करूँगी दोनों तरफ से। और मशीन से आप करना चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें पूरा मतलब दोनों तरफ के पॉकेट्स की सिलाई करनी है। अब ये पॉकेट सिल चुके हैं, अब ये साइड में भी हमने जैसे पाइपिंग मैंने आपको बताया था किस तरीके से लगाना है, तो साइड में भी मैं इसी तरीके से पूरा पाइपिंग लगा रही हूँ। और इस तरीके से लगाने से पाइपिंग बिल्कुल मतलब फिनिशिंग से लगता है, और हाथ से सिल रही हूँ लेकिन फिर भी काफ़ी फिनिशिंग से हो रहा है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है। और अंदर की साइड से ये इस तरीके से दिखेगा, जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा, मतलब अंदर की तरफ आ जाएगा। और उसके बाद आप इसे आयरन कर सकते हैं, और आयरन हल्का करें क्योंकि जो बोरियाँ हमने लगाई हैं, जो प्लास्टिक की बोरी है, उस पर ज़्यादा आयरन नहीं चल सकता ज़्यादा तेज़। और इसको ये वॉशेबल है, आप इजीली वॉश भी कर सकते हैं। ये बन चुका है हमारा फ्रिज टॉप कवर या फ्रिज टॉप ऑर्गेनाइज़र, इसे आप अपने फ्रिज पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा लंबा चाहिए, ज़्यादा मतलब हैंगिंग चाहिए और ज़्यादा, तो आप इसको और लंबा बना सकते हैं। ये इस तरीके से आ रहा है, और आपको जैसे कि जो कपड़े का आपको बनाना है वो कपड़ा फ्रिज पे रख के देख सकते हैं कि आपको कितना लंबा कितना लटकता हुआ चाहिए, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और मैंने इसकी पॉकेट्स काफ़ी डीप बनाए हैं, आप इसकी पॉकेट्स की चौड़ाई कम रख सकते हैं। मैंने मोस्टली बुक्स वगैरह रखने के लिए बनाया, और ये इस तरीके का है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और बिना किसी पैसे के हमने इसे बना लिया। और आगे की कुछ वीडियो में कुछ टाइम बाद मैं कोशिश करूँगी कुछ और अच्छा, मतलब थोड़ा सा जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे उस टाइप का बनाने का। ये बिल्कुल बेसिक सा मैंने बनाया है जो कि हर किसी के लिए बहुत आसानी से बन सकता है ये, और मुझे लगता है आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये DIY अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय।